दोस्तों क्या आपको मालूम है जब हम होम गार्डनिंग करते हैं तो हमारे 80% जो पौधे मरते हैं वो ओवर वाटरिंग से मरते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ये ओवर वाटरिंग तभी होती है जब हमारे गमले में ड्रेन होल सही से नहीं होते या फिर वह ड्रेन होल किसी कारण से बंद हो जाते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के जियो फैब्रिक ग्रो बैग। अब आप सोच रहे होंगे कि इन ग्रो बैग में ऐसा क्या है, तो ये ग्रो बैग बहुत ही अच्छे होते हैं और इनमें ड्रेन होल की जरूरत नहीं होती। ऑटोमेटिकली इनमें से पानी और हवा आर पार हो सकती है, इसलिए यह होम गार्डनिंग के लिए बेस्ट ग्रो बैग होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जियो फैब्रिक ग्रो बैग क्या होते हैं, किस चीज के बने होते हैं, इनके क्या फायदे और नुकसान हैं, इनमें आप कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं और इस तरह अच्छी क्वालिटी के बेस्ट जो ग्रो बैग हैं वो आपको कहां से खरीदने को मिलेंगे। ये सारी जानकारी लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ में वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए जानते हैं जियो फैब्रिक ग्रो बैग क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये जियो फैब्रिक क्या है। देखिए, जियो फैब्रिक या जियो टेक्सटाइल एक तरह का कपड़ा होता है जो कि परमीएबल होता है, मतलब पारगम्य होता है। इसमें हवा भी अंदर जा सकती है और पानी भी अंदर और बाहर जा सकता है, इसलिए इसमें ड्रेन होल की जरूरत नहीं होती। यह पॉलीप्रोपिलीन या पॉलिएस्टर जो होता है उनसे तैयार किया जाता है और यह 100% रिसाइकल है और इसका इस्तेमाल करने पर हमें किसी भी तरह का वेस्ट मटेरियल जो है हम नहीं बढ़ाते एनवायरनमेंट में। इसके बाद बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ। तो इसका इस्तेमाल ज्यादातर ड्रेनेज सिस्टम बनाने में इस्तेमाल होता था, जहाँ पे बड़े बड़े लॉन या गार्डन बनाए जाते थे उसके नीचे जो है पहले जियो फैब्रिक जो है ये कपड़ा बिछाया जाता था, फिर उसके ऊपर मिट्टी को डालकर जो भी चीजें लगाई जाती थी उन्हें तैयार किया जाता था। तो वहां से इसका इस्तेमाल शुरू हुआ है और अब इसे इस तरह से जो है ग्रो बैग के तौर पे बना दिया जाता है और इसका इस्तेमाल होम गार्डनिंग में काफी ज्यादा होने लगा है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि इस तरह के ग्रो बैग किस किस साइज के मिलेंगे और साथ में इनमें कौन कौन से पौधे लगाए जा सकते हैं। साइज के बारे में बात करें तो सबसे पहली जो साइज है वह 9x9 इंच की है। इस ग्रो बैग में आप जो है फूलों वाले पौधे और हर्ब्स वगैरह लगा सकते हैं, उनके लिए काफी अच्छा है। इसके बाद मैं बात करूं तो आपको मिलेगा ये 12x12 इंच का ग्रो बैग, जैसे कि आप ये सामने खाली ग्रो बैग देख रहे हैं। ये यहाँ पर जो ग्रो बैग रखा है यह मिट्टी से भरा हुआ है। तो 12x12 इंच का ग्रो बैग है, इसमें आप वेजिटेबल्स प्लांट लगा सकते हैं, जैसे कि आप मिर्च लगा सकते हैं, टमाटर, बैंगन, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, आप इसमें गाजर मूली जैसी सब्जियां भी लगा सकते हैं। तो ये साइज आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको ये साइज मिलेगी 15x15 इंच, ये काफी अच्छी साइज है। अगर आप इस तरह के प्लांट लगाना चाह रहे हैं जिनकी रूट काफी डीप जाती है तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ क्रीपर वेजिटेबल्स को भी इसमें आप लगा सकते हैं क्योंकि उनकी रूट जो है डीप जाती है और बाकी आप इनमें फ्रूट प्लांट लगाना जो है शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली साइज है वह है यह, देखिए 24x24 इंच, यह स्पेशली तैयार किया गया है फ्रूट प्लांट लगाने के लिए। अगर आप अपने होम गार्डन में फ्रूट प्लांट लगाना चाहते हैं तो इस ग्रो बैग में लगा सकते हैं, यह काफी अच्छा है। काफी ज्यादा इसमें मिट्टी आती है, जैसे कि आप इसमें पपाया, बनाना, अमरूद, आम, इस तरह के फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं, काफी अच्छे से वह इसमें ग्रो होंगे। एक और हमारी साइज है लीफी वेजिटेबल्स के लिए, यह है 24x9 इंच। इसमें क्या होता है, इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है लेकिन चौड़ाई इसकी काफी ज्यादा है, तो इसमें आप लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, धनिया, मेथी, लाल भाजी, हरी भाजी और भी अलग अलग तरह की लीफी वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। साथ में आप इसमें जिसमें रूट कम होती हैं जैसे कि रेड राउंड रेडिस, इस तरह की वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। काफी अच्छा ग्रो बैग है इस तरह की सब्जियां लगाने के लिए। तो ये जो है आपने साइज तो जान ली, अब हम बात करते हैं इन ग्रो बैग के फायदे। तो समझ लेते हैं कि जियो फैब्रिक ग्रो बैग के फायदे क्या हैं। अब देखिए, जब आप इस तरह के ग्रो बैग इस्तेमाल करते हैं तो इनके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि इनमें किसी भी तरह के ड्रेन होल नहीं बनाने, इनमें से पानी
बड़े आसानी से बाहर निकल जाता है, तो कभी आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कहीं मेरे ड्रेन होल तो बंद नहीं हो गए ग्रो बैग के। अब आप देखेंगे जैसे अभी रेनी सीजन आने वाला है तो इस ग्रो बैग में कहीं भी ड्रेन होल नहीं है, और इसमें जितना भी बारिश का पानी गिरेगा या फिर आप नॉर्मल वाटरिंग करेंगे तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो आराम से ड्रेन आउट हो जाएगा। बस कंडीशन ये है कि इसके अंदर की जो ये मिट्टी है ये अच्छी होनी चाहिए, इस पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा इसका ये फायदा है कि यह मूवेबल होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये देखिए यहाँ पर इसमें मिट्टी है और मैं इसे इस तरह से उठा सकता हूँ और कहीं भी ले जा सकता हूँ। तो ये मूवेबल होते हैं, एक स्थान से उठाकर आप दूसरी जगह कहीं पर इन्हें रख सकते हैं। साथ में ये रीयूजेबल है, आप देखिए जैसे इस ग्रो बैग में मैंने पहले भी जो है सब्जियों वाले पौधे लगाए थे, अभी फिर से मैंने इसको रीयूज कर रहा हूँ, तो आप इनकी मिट्टी को खाली करके आप इन्हें धो सकते हैं अच्छे से, और जब आपका यूज ना हो तो इन्हें अंदर रख लीजिए, बाकी फिर से आप इन्हें मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। अगर मैं इनकी सेल्फ लाइफ की बात करूँ तो 5 से 6 साल आराम से चल जाते हैं, क्योंकि एक टाइप का ये कपड़ा ही है, धूप में भी ये खराब नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि जब आप इस तरह की ग्रो बैग इस्तेमाल करेंगे तो इनमें आप सभी तरह के पौधे लगा सकते हैं, आपको कभी ये नहीं सोचना कि इस तरह का पौधा इसमें नहीं होगा या ये पौधा इसमें होगा, क्योंकि ये सभी तरह के प्लांट के लिए कंफर्टेबल होते हैं, बस आपको सॉइल अच्छी बनानी है। तो ये तो इनके कुछ फायदे थे, अब बात करें कि इनके नुकसान क्या है। तो देखिए इनका इसका नुकसान तो वैसे कोई नहीं है, बस ये है कि इसमें से पानी बहुत जल्दी ड्रेन आउट होता है। आप देखेंगे कि यहाँ से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो पूरा ड्रेन आउट हो जाएगा। अगर आपकी मिट्टी में मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी कम है तो हो सकता है आपको इस ग्रो बैग में बार बार पानी देना पड़े, स्पेशली समर सीजन में जब गर्मियां तेज होती हैं तो आपको दिन में 2 बार इसमें पानी देना पड़ सकता है। इसके अलावा क्या होता है, जब आप देखेंगे कि ये नया ग्रो बैग है और ये एक दो बार यूज हो चुका है, तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है जो मिट्टी का कलर है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, तो थोड़ा सा देखने में ये आपको कम अच्छे लगेंगे। अगर आप इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे तो फिर से ये नए जैसे बन जाएंगे। इसके अलावा इनके और कोई भी नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। तो आज से ही अपने होम गार्डन में इस तरह के जियो फैब्रिक ग्रो बैग का इस्तेमाल करना शुरू करें। यह जो ग्रो बैग हैं आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहां पर जाइए, साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां पर जाकर भी आप इन्हें खरीद सकते हैं, अपनी पसंद अपनी सुविधा के हिसाब से आप इन्हें खरीदिए। एक और ग्रो बैग है जो मैं आपको बता दूं, स्पेशली ये तैयार किया गया है तुलसी के पौधे के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये तुलसी ग्रो बैग है, तुलसी ग्रो बैग के नाम से ही आपको मिलेगा। इसकी खासियत ये है कि आप इसमें तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, 10 बाई 10 इंच का ये ग्रो बैग है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और अक्सर जब हम तुलसी जी को घर में लगाते हैं तो एक शिकायत ये होती है कि वह मर जाती है। क्या होता है, तुलसी का पौधा अक्सर ओवर वाटरिंग से मरता है, क्योंकि हम उसमें रोज जल चढ़ाते हैं, अगर एक घर में 4-5 फैमिली मेंबर हैं तो 4-5 बार उसमें हम जल चढ़ाते हैं, जल के तौर पर जब पानी दिया जाता है तो उससे क्या होता है तुलसी के पौधे की जड़ जो है खराब हो जाती है और पौधा मर जाता है। तो उस कंडीशन में आप मिट्टी अच्छी बनाइए और इस तरह से इस तुलसी ग्रो बैग में तुलसी जी को लगाइए, आपका पौधा बिल्कुल नहीं मरेगा और हरा भरा रहेगा। तो आप इसे भी खरीद सकते हैं, यह भी मिलेगा आपको वेबसाइट organicbazaar.net पर। तो ये थी कंप्लीट डिटेल जियो फैब्रिक ग्रो बैग की, आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी तरह का डाउट है इस ग्रो बैग को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक जरूर करें, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।